मिशन चंद्रयान से काफी सस्ता है मिशन सूर्यान। चंदा मामा तो ठंडे हैं, तो उनके पास जाना उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितना कई करोड़ सेल्सियस तापमान के सूर्यदेव के पास। कई लाख किलोमीटर पहले ही सूरज की गर्मी खाक बना देती है सब कुछ, पर इसरो ने फिर भी ये ठान लिया है कि सूर्य के पास एकदम पास जाकर दिखाएंगे और वहां से वो रहस्य खोज कर निकालेंगे जो कोई नहीं जान पाया आज तक। हैरत की एक और बात बताते हैं आपको आगे बढ़ने से पहले। आदित्य L1 का बजट सिर्फ 400 करोड़ रुपए है, जो चंद्रयान 3 मिशन से 200 करोड़ रुपए कम है। चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं दूसरी ओर ये नासा के सूर्य मिशन से 97% सस्ता है। अब एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं कि आखिर इस सूर्य मिशन की क्या खासियत है। पिछले महीने चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसरो के इस प्रदर्शन के बाद हर किसी का आत्मविश्वास बढ़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक L1 बिंदु है, इसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। वहां आदित्य L1 स्थापित किया जाएगा। मिशन सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये उम्मीद है कि सूर्य के बारे में कई अनजाने रहस्य उजागर होंगे। आपको सूर्य की अलग अलग परतों के बारे में जानकारी मिलेगी। आदित्य L1 का जीवन काल मात्र 5 साल का ही होगा। ये इन 5 सालों तक सूर्य का चक्कर लगाता रहेगा। सौर तूफान, सौर कोरोना और अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेगा। चंद्रयान 3 की तरह आदित्य पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाला पहला मिशन होगा। कुछ राउंड लगाने के बाद 15 लाख किलोमीटर का सफर तय कर ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस बिंदु की परिक्रमा करते हुए आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत के बारे में जानकारी हासिल करेगा। इसरो ने अपने हर मिशन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत ने कम बजट में सोलर मिशन की योजना बनाई है। आदित्य मिशन की लागत 400 करोड़ रुपए है। नासा ने सूर्य मिशन पर 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब है कि इसरो दुनिया में फिर से नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। खास बात तो यह है कि 23 अगस्त को चांद पर जिस चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसका बजट मात्र 615 करोड़ रुपए था। कई देशों ने कम लागत पर सफलतापूर्वक अभियान चलाने की भारत की क्षमता की सराहना भी की है। दुनिया के कई देश ऐसा ही महसूस करते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया के कई देश इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सूर्यान की सफलता के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए यह मिशन इसरो के शोध को नई दिशा में लेकर जाए। आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर देश दुनिया की ऐसी ही रोचक जानकारियां आप देखते रहना चाहते हैं तो TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं। वहां हम आपके लिए हर खबर के पीछे की खबर एकदम सरल अंदाज में लेकर आते हैं।